Hey guys, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अपने पीसी बिल्ड के बारे में। आप में से जो लोगों को याद हो, मैंने कुछ टाइम पहले एक पीसी बिल्ड किया था अपने चैनल पर, उसमें से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बेंचमार्क में इंटरेस्टेड थे और वो ये भी जानना चाहते थे कि मैंने ये पार्ट क्यों लिया है, क्योंकि अगर देखा जाए मार्केट में आज के टाइम पे तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छे पार्ट भी अवेलेबल हैं। मैंने ये पार्ट्स क्यों चूज करे हैं, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। पहले ही मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो पीसी बिल्ड था ये 3 महीने पहले का बिल्ड था। उस टाइम पे कई सारे ऐसे पार्ट थे जो अवेलेबल नहीं थे और मुझे ब्रांड्स ने भी पार्ट्स दिए थे, तो अगर मेरे पास अनाप शनाप पैसा होता और मैं पीसी बिल्ड आज की डेट पे कर रहा होता तो डेफिनेटली जो पार्ट्स हैं मैं थोड़े और अच्छे चूज कर लेता। लेकिन फिर भी जो भी पार्ट ऑप्शनल है, मतलब कि दूसरे ले सकते थे, उससे ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस पे हमारे असर नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स के बारे में, कंपोनेंट के बारे में कि कौन सा पार्ट मैंने क्यों चूज करा है। वैसे अगर आप एक पर्टिकुलर पार्ट देखने में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर मैंने सारे टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर स्किप कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारा आता है इस बिल्ड में वो है हमारा प्रोसेसर। इस बिल्ड में दोस्तों जो हमने प्रोसेसर लिया था वो था राइजन 5 2600। ये प्रोसेसर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है जिसमें साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग भी इनेबल है, मतलब कि हाइपर थ्रेडिंग। ये एक प्रोसेसर 6 कोर और 12 थ्रेड वाला है और जो ओवरक्लॉक भी हो जाता है, तो डेफिनेटली जो लोग क्रिएटर हैं और थोड़ा बहुत हैवी टास्क करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है। मेरा मेन काम वीडियो रेंडरिंग का है, गेमिंग भी है, लेकिन गेमिंग पे उतना ज़्यादा खास असर नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो रेंडरिंग के मामले में ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको मैंने ओवरक्लॉक भी कर लिया है और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि Ryzen 5 में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, तो डेफिनेटली आपको डिस्प्ले देखने के लिए भी ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इस बिल्ड में हमारे पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरे पार्ट के बारे में बात करें वो है हमारा मदरबोर्ड। यहाँ पर जो हमने इस बिल्ड में जो मदरबोर्ड लिया है वो है MSI का टोमाहॉक B350। मानता हूँ थोड़ा बहुत अजीब चॉइस है मदरबोर्ड के मामले में, B450 चूज करना चाहिए था। जिस टाइम पे मैंने ये पीसी बिल्ड करा था उस टाइम पे B450 नहीं था, तो B350 एक बजट में रहते हुए एक बेहतरीन ऑप्शन था मेरे लिए। ये मदरबोर्ड बेसिकली मेरी हर बेसिक नीड को कंप्लीट कर देता है, एक हैवी ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्ट, ओवरक्लॉकिंग, 4 RAM का सपोर्ट, RGB। मैं मानता हूँ इतने फीचर ये मदरबोर्ड ऑफर कर रहा है ये बेसिक बंदे के लिए बहुत है। प्राइस की दोस्तों बात करें, ये मुझे करीब 6000 रुपये का पड़ा था। आपको नहीं पड़ेगा 6000 रुपये का, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ब्रांड से लिया था ये, तो ये मेरे लिए एक और प्लस पॉइंट था। नो नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें तो वो है हमारी रैम। रैम दोस्तों में भेजी गई थी Xeon की तरफ से हाई फ्रीक्वेंसी वाली, ये एक RGB रैम है और एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, Ryzen जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी वाली रैम को काफ़ी फेवर करता है और ये रैम RGB भी है तो मेरे लिए गेमिंग का लुक भी काफ़ी अच्छे से दे देती है। और कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये मुझे फ्री में मिली थी, तो नो कंप्लेन इस बारे में। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें तो वो है हमारा CPU कूलर। CPU कूलर जो यहाँ पर मैंने यूज़ करा है वो है चिप्ट्रॉनिक्स का डिफ्यूज़र X500, जो कि मुझे भेजा गया था चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से। फीचर्स के बारे में बात करें, RGB कूलर है तो डेफिनेटली गेमिंग के लिए लुक आपको दे देता है काफ़ी अच्छा। और बात करें ओवरक्लॉकिंग और हीटिंग इशू के बारे में, 5 copper pipe है, सॉरी 5, और जो है आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग दे देता है। मैंने अपने Ryzen 5 को 4 GHz तक ओवरक्लॉक कर लिया और मुझे कोई हीटिंग देखने को नहीं मिली। हालांकि कभी कभी जब रेंडरिंग करते हैं वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा हीट देखने को मिलती है, लेकिन इतनी नहीं है कि सिस्टम चोक हो जाए और रिस्टार्ट करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों अगले कंपोनेंट के बारे में बात करें तो वो है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड दोस्तों मुझे दिया गया था NVIDIA की तरफ से, ये है 1070 Ti। परफॉर्मेंस की दोस्तों अगर वहीं बात करें तो आप लोग सभी फेमिलियर हैं, 1080 जैसा उसे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस देता है, बाकी मेरी बेसिक नीड के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई भी गेम आज के टाइम पे 1080p पे अल्ट्रा सेटिंग पे 100+ FPS पे चला देता है, अच्छी बात है। और फ्रेंकली मैं बताऊँ, वीडियो रेंडरिंग के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको, अगर आप स्पेशली GPU बेस्ड रेंडरिंग ज़्यादा करते हो तो। इसमें आपकी CPU और GPU दोनों की ही मतलब परफॉर्मेंस पावर कंबाइन हो जाती है, जिससे कि आपका रेंडरिंग टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है और प्रीव्यू रिव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। बाकी ग्राफिक्स कार्ड का कोई और काम होता नहीं है गेमिंग और रेंडरिंग के अलावा मेरे हिसाब से, मेरे केस में तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था तो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं, इसीलिए दोस्तों मैंने इसको अपने पीसी बिल्ड में यूज़ करा है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें तो वो है PSU, मतलब कि पावर सप्लाई। पावर सप्लाई भी दोस्तों मुझे दिया गया था चेप्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जो कि 650 वॉट की है। मेरी पीसी कंपोनेंट के हिसाब से 650 बहुत है, बहुत तो नहीं कह सकते, टोटल कंजम्पशन 450 वॉट के आसपास आता है, लेकिन फिर भी 650 मैं मानता हूँ थोड़ा सा मेरे लिए फ्यूचर प्रूफ है। इनकेस अगर कल को मेरा मूड बदल जाता है तो मैं 2080 भी अपने सिस्टम पे इजीली लगा सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों बारी आती है स्टोरेज के बारे में। यहाँ पर मेरी गलती है, यहाँ पर मैंने दोनों स्टोरेज ली है। पहला है 2TB की WD ब्लू, जो कि मैं एज अ बैकअप मतलब फाइल स्टोर करने के लिए यूज करता हूँ, और दूसरी है SSD जो कि है 120GB की किंगस्टन। बहुत ही ज्यादा बेसिक SSD है। जिस टाइम पे मैंने खरीदा था उस टाइम पे इस SSD की प्राइस 3000 रुपए थी, आज पे तो 2000 रुपए में इसे कोई नहीं ले रहा है। वैसे फ्रेंकली बताऊँ काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है और मेरे बेसिक नीड के हिसाब से बहुत है। 120GB मेरे लिए थोड़ा कम पड़ रहा है, इन फ्यूचर मैं 970 EVO भी खरीदने वाला हूँ। वहीं दोस्तों हार्ड डिस्क के बारे में बात करें, 2TB की है, ज़्यादा कोई काम नहीं रहता मेरा उसमें, केवल मेरी जो फुटेज है वही रहती है और गेम्स के सेटअप वगैरह रहते हैं बस। लास्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें तो वो है हमारा केस। केस दोस्तों हमें भेजा गया था फैनटेक की तरफ से, हाँ फैनटेक P400 भेजा गया था। वैसे ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मिला है, बाकी इस केस को आप अभी 7000 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं। केस दोस्तों बहुत ही औसम है, बहुत ज़्यादा रूम है, बड़े से बड़ा ग्राफिक्स कार्ड, बड़े से बड़ा कूलर, सब कुछ दोस्तों आप यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी काफ़ी एयर फ्लो के लिए जगह रह जाती है। लुक वाइज काफ़ी मिनिमल है और आपको काफ़ी अच्छा लुक दे देता है। वेल दोस्तों ये था मेरा इंटायर सेटअप। अब बात करते हैं ये परफॉर्मेंस आपको कैसा देता है। यहाँ पर मैंने कुछ गेम्स खेले हैं और कुछ CPU इंटेंसिव टास्क भी कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, तो बेंचमार्क दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहे। बेंचमार्क देखने के बाद दोस्तों एक चीज़ ये क्लियर हो गई है कि जो मेरा PC है वो बहुत ही ज़्यादा बीस्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ भी है, आगे अपग्रेडेशन पाथ भी इसका काफ़ी ज़्यादा है और मेरे बेसिक नीड के हिसाब से बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हो सकता हो आने वाले टाइम पे मैं कुछ और अपग्रेडेशन करूँ, जैसे कि प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और SSD। बाकी मुझे भी दोस्तों अब 16GB रैम थोड़ी कम लगने लगी है, जल्द ही दोस्तों मैं अपनी रैम भी अपग्रेड कर जाऊंगा। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं सिर्फ डेली ऑसम कंटेंट। तो हम तक देखने के लिए थैंक यू।